Hello, welcome to Dynamic Study. Today, I will discuss about TCNET Paper 1. और Paper 1 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले Data Interpretation Part. Data Interpretation को हम कंटिन्यू रखेंगे. Data Interpretation UGCNET के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर ये हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा 10 मार्क्स हमारा सिक्योर हो जाए. 10 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से. यहाँ पर एक डाटा टेबल दिया गया है. यहाँ पर बताया गया है द अबव टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्वायर्ड बाय अ टी गार्डन ड्यूरिंग द इयर्स 2008 टू 2012. सो यहाँ पर एक टी गार्डन का जो एक्सपेंडिचर का डिटेल्स मतलब खर्च कितना हुआ है, एक 2008 से 2012 तक एक टी एस्टेट है, एक टी एस्टेट है, टी गार्डन है, वहां पर कितना खर्चा हुआ है ये दिखाया गया है विभिन्न बहुत सारे क्षेत्रों में. ओके, नोट ऑल द एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड इन करोड़. सारे जो खर्चे यहाँ पर बताए गए हैं, ऑल द रिपोर्ट्स, ये सब करोड़ में खर्च हुए. ओके, सो इसके हिसाब से हमें करना है. सो देखते हैं. सो 2008 में सैलरी के लिए खर्चा कितना हुआ है, 57.6. फ्यूल के लिए खर्चा हुआ है 19.6. बोनस दिया गया है 0.6 करोड़. इंटरेस्ट ऑन लोन है 4.68 करोड़. टैक्सेस पे गया है 16.6 करोड़. 2019 में भी सैलरी में गया है 68.4 करोड़. फ्यूल में गया है 22.4 करोड़. बोनस में गया है 0.5 करोड़. इंटरेस्ट ऑन लोन है 6.50 करोड़. टैक्सेस पे गया है 21.6 करोड़. 2010 में देखते हैं, सैलरी के लिए खर्चा हुआ है 64.8 करोड़. फ्यूल के लिए खर्चा हुआ है 20.2 करोड़. बोनस के लिए खर्चा हुआ है 0.76 करोड़, मतलब 76 लाख. इन्वेस्ट ऑन लोन्स के लिए खर्चा हुआ है 8.32 करोड़ एंड टैक्सेस के लिए 14.8 करोड़. 2011 में खर्चा कितना हुआ है सैलरी के लिए 67.2. फ्यूल के लिए खर्चा हुआ है 26.6 और बोनस के लिए खर्चा हुआ है 74 लाख. और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 7.82 करोड़ एंड टैक्सेस में गया है 17.6 करोड़. अब 2012 में कितना खर्च हुआ है सैलरी के लिए 84 करोड़. फ्यूल के लिए 28.4 करोड़. बोनस के लिए गया है 80 लाख. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 9.88 करोड़ एंड टैक्सेस पे गया है 19.6 करोड़. ये कितना खर्च हुआ. So, अब इस क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन समझ ये है कि बोनस एज अ परसेंटेज, ये जो बोनस हम सबको मिला है, बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी वॉज हाइस्ट इन द ईयर. सो कौन से साल में, कौन से ईयर में हमको सैलरी के अकॉर्डिंगली ज्यादा परसेंटेज ऑफ बोनस मिला है. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं. 2010 में, 2009 में, 2011 में या 2008 में. सो हम इसको एक एक ऑप्शन बाई ऑप्शन क्लियर करें. सो कैसे सबसे शुरू करते हैं. यहां पर देखिए डाटा को अच्छी तरह से आप देखिए. 8 और 9 देखिए, यहां पर बहुत कम है. देखिए 2008 में कितना है 0.6 और 2009 में है 0.5. ऑब्वियसली ये कम होगा. और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हाईएस्ट. सो 2010 में देखते हैं 0.76 और यहाँ पर है 0.74. ये दोनों आसपास है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट बताया गया. सो हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करके 2008 और 2009 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2010 और 11 को कैलकुलेट करेंगे. सो 2010 में कितना है 64.8 करोड़, उसमें बोनस कितना मिला है 0.76. ओके, सो कैसे करते हैं. सो टोटल हमारा कितना है 0.76 करोड़ और टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 64.8. सो 64.8 में हमको मिला है 0.76.
सो हमको टोटल कितना बोनस मिला है हमको ये कैलकुलेट करना होगा डिवीशन करके। सो मैंने निकाल लिया है 0.0117%। ओके, और 2017 में 11 में भी बताया गया है 0.1417 डिवाइडेड बाय कितना है 67.2। सो 0. यहाँ पर भी हमने निकाल लिया है 0.0110। ओके, सो बोनस किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली देखो यहाँ पर ज्यादा है, 17 है यहाँ पर 10 है। सो 2010 में ज्यादा बोनस उसको मिला है अकॉर्डिंग टू द सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन विच ईयर वॉज द टोटल एक्सपेंडिचर, इन विच ईयर कौन से साल में द टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है ओवर द 5 years एक्सपेंडिचर, जो फाइव जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, सैलरी फ्यूअल बोनस इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस, सारे क्षेत्रों में जो खर्चा हमारा हुआ है ये 5 cases में, सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन है, सबसे खर्चा किस में कम आया है 2010, 11, 9 एंड 8। ओके, सो देखते हैं, टेबल को अच्छी तरह से देखें। तो आप यहाँ पर हमारा ऑप्शंस क्या क्या है फर्स्ट देख लेते हैं, सॉरी 1 मिनट। हाँ, 10, 11, 9, 8, तो 8, 9, 10, 11 ऐसे ऐसे हम देखते हैं। सो 8 से शुरू करते हैं, 8 का देखिए कम सबसे बताया गया है। सो 8 में देखिए 57.6 है, उसके बाद फ्यूएल में है 19.6, बोनस में है 0.6, इंटरेस्ट ऑन लोन है 4.68 एंड टैक्सेस है 16.6, ज्यादा नहीं है। 2009 में उससे ज्यादा है, देखिए 68.4 प्लस 22.4 होगा, बोनस भी ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी 6.50 है और 21.6, तो 8 से ज्यादा 9 हुआ, सो 8 तो नहीं होगा। अब 10 देखते हैं, 10 में आप देखिए 64.8, ये इसका थोड़ा सा कम है, यहाँ पर इसके ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और ये थोड़ा सा ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है और ये इससे बहुत कम है। सो टोटल आप देखेंगे तो 2009 ज्यादा लग रहा है। अब ऑप्शन में है 2011 भी, तो 11 देखिए इससे कम ये है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है और ये इससे कम है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, 2009 जो है यहाँ पर लीस्ट बताया गया है, सबसे कम, सबसे कम हमको ढूंढना है। देखिए सबसे कम जो है वो इनमें, इन तीनों में ज्यादा है, अगर हम इसको कंपेरिजन में जस्ट डाटा टेबल देखें तभी समझ पाएंगे। सो इन तीनों में ज्यादा है, सबसे कम देखिए इसमें भी, देखिए 57.6 कम है, इसमें भी 19.6 कम है, 0.6 इसमें थोड़ा ज्यादा है, इससे यहाँ पर भी 4.68 है कम है, ये भी 6.6 है कम है, तो सब में कम कौन है 2008। सो ऑब्वियसली हमारा 2008 आंसर निकलेगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं, अगर आप टोटल भी करेंगे तो ये टोटल में भी कम आएगा। आपको इतना नहीं जरूरत नहीं है, तो आप अच्छी तरह से टेबल को फॉलो कीजिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आपको नजर रखना होगा टेबल पे, टेबल आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्लियरली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का, इन विच ईयर्स किन दोनों सालों में द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर, ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर मोर देन 10%। So, कौन दोनों सालों में, कौन से दोनों ईयर में परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी के ऊपर वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा 10% हुआ। ऑप्शंस देख लेते हैं, 2009 एंड 10, 2010 एंड 12, 2011 एंड 12, ऑप्शन डी 2009 एंड, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है कंपनी के द्वारा या टी स्टेट के द्वारा वो सैलरी में ज्यादा बढ़ रहा है पिछले ईयर से। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है, 2009 एंड 10 है, तो 2009 को हम कैसे देखेंगे, 2008 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 2009 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2018, सो अब 2018 का डाटा देखते हैं, 2018 में क्या था, सॉरी 8 में क्या था, 2018 में था, 8 में था 57.6 और 2009 में था 68.4, तो बड़ा है राइट। सो कितना बड़ा है, देखिए 57.6 था राइट, इसका क्या था 57.6 था
और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बताया गया है 10% बढ़ेगा, ओके राइट। सो 57.6, देखिए सो 57.6 था और 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 57.676 करोड़, राइट। बट 2019 का ग्रोथ कितना है देखते हैं, 2009 का, सॉरी 9 का 68.4 है, ओके सो 68.4 है। सो 68.4 के साथ अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना होगा 10.8 करोड़, तो ग्रोथ ज्यादा है। सिमिलरली इन द ये 10% के आसपास ही है, मोर देन 10% ही पूछा है, सो 10.8% है करोड़ है। सिमिलरली 2012 में देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 2012 देखते हैं, अब देखते हैं 12 तो ग्रोथ कितना है, ग्रोथ देखते हैं 2012 में ग्रोथ है, देखिए इन दोनों में गैप निकालना होगा, 64 हुआ है और पहले क्या था 67.2, सो यहाँ पर कितना होगा 67.2, ओके ऑफ द ईयर 2011, 67.2 इंटू 10% मतलब 6.72 करोड़। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप कितना है, यहाँ पर है 84, मतलब ये भी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन जो 4 है, सो यहाँ पर ऑप्शन 4 देखिए 2009 एंड 2011, सॉरी 2009 एंड 2012 जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्व द टेबल, टेबल को हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे एंड काउंट द 10% ग्रोथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर अगर अच्छी तरह से टेबल को देखे, देखिए यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ है, ये हम ऐसे ऐसे करके माइनस करके करके देखेंगे। सो 68.4 से माइनस 57.6, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ऑब्वियसली 9-10 में नहीं हुआ है, 68 से 64 कम है, 4% है, और यहाँ पर देखिए ये ज्यादा है, 84 माइनस 76 67, सो 10 से ज्यादा है। सो ऑब्वियसली 2009 एंड 2012 हमारा आंसर है। अच्छी तरह से मैंने बार बार कह रही हूँ कि टेबल अच्छी तरह से आप फॉलोअप कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर करना मुश्किल ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूरिंग द पीरियड 2008 से 12, 2008 से 12 तक एवरेज एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन लोन में एवरेज कितना खर्चा हुआ अप्रोक्सीमेटली, ओके अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट ऑन लोन्स में, ओके सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। तो एवरेज ईयरली एक्सपेंडिचर, जो एवरेज हर साल एक्सपेंडिचर हो रहा है 8 से 12 तक, इंटरेस्ट ऑन लोन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सो यहां पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ऑप्शन देख लेते हैं, 8 से 12 तक ईयरली एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। ऑप्शन 1 है 6.33 करोड़, ऑप्शन 2 है 8.32 करोड़, ऑप्शन 3 है 7.33 करोड़ एंड ऑप्शन डी है 6.88 करोड़। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सो 8 से 12 तक इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल कितना होगा देखते हैं, 6.4.68 प्लस 6.50 प्लस 8.32 प्लस 7.728 प्लस ना प्लस 9.88, सो इन सबको टोटल करेंगे तो कितना होगा 36.66 करोड़। ओके सो आई मिस दिस आंसर, लिखने के लिए मैं भूल गई थी। सो ये जो हमारा आंसर है, सो कितना होगा आंसर, कितना होगा हमारा आंसर, होगा हमारा 36.66 करोड़ टोटल लोन, हमने टोटल जो लोन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका टोटल कर लिया, 8 से 12 तक इनको टोटल कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में बताया गया है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताया गया एवरेज बताया गया है, सो एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
टोटल से टोटल नंबर ऑफ ईयर डिवाइड करना होगा। सो टोटल तो हमारा हुआ कितना 36.66। हम कितने साल है 2008 से 8 से 12 8 9 10 11 12, सो 5 साल। सो हम डिवाइड करेंगे 36.66 को हम डिवाइड करेंगे किससे 6 से। सो हमारा ऑप्शन आएगा कितना, ऑप्शन हमारा आएगा अगर आप 36.66 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 7.32। ओके सो अप्रोक्स 7.33 करोड़। सो हमने कुछ नहीं किया, टोटल जो इंटरेस्ट ऑन लोन हर साल में था इन सबको टोटल किया, इन सारे टोटल को हमने क्या किया डिवाइड किया जितने साल है उससे। सो हमारा आंसर उससे निकल कर आ गया 7.33। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स वेर लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल। कौन से साल में ये जो टैक्सेस का एक्सपेंडिचर है, टैक्स के लिए जो खर्चा है एंड जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, ये दोनों जो चीजें हैं वो लेस है, कम है किससे, फ्यूल के खर्चे से, कौन से ईयर में। ऑप्शंस देख लेते हैं 2009, 2011, 2010 एंड 2012। इसके लिए क्या करना होगा, टेबल अच्छी तरह से देखना होगा। क्वेश्चन में बताया गया कौन से साल में टैक्सेस और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो खर्चा है वो लेस होगा एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल से, फ्यूल के खर्चे से कम होगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो हमें करना पड़ेगा वो है काउंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड टैक्सेस। तो हम करना होगा 2009 से लेकर 2012 तक हमको क्या करना पड़ेगा, 2009 से 2012 तक हमें काउंट करना होगा एक्सपेंडिचर्स। ओके सो 2009 में कितना था, 2009 से हम देखते हैं, अगर डाटा देखेंगे तो हमारा क्वेश्चंस में बताया गया है टैक्सेस का और इंटरेस्ट ऑन लोन्स का। सो टैक्सेस इधर है और इंटरेस्ट ऑन लोन इधर है। सो टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन से हम कैसे करेंगे, सो आप अगर देखे तो नाइन में देखिए ये है 2012 का खर्चा कितना है 22.4 और टैक्सेस का कितना खर्चा है 21.6 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 6.50। तो कितना हुआ आपका 6.50 प्लस 21.6, ये तो ज्यादा है ऑब्वियसली फ्यूल से, राइट राइट है ना, ये तो हम देख पा रहे हैं। अब 2010 देखते हैं, 10 देखते हैं, 10 में है 14.8 प्लस 8.32, सो मतलब 20 अप्रोक्स, ये भी इससे ज्यादा ही है। ओके अब देखते हैं 2011 को, 11 में कितना है, 11 में कितना है, 11 देखते हैं, 11 में है 17.6 प्लस 7.28, तो 17 प्लस 7 कितना होता है 17, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 है। सो ये ऑब्वियसली से कम है, 26 से कम है। ओके सो ये कम हुआ एकमात्र, बाकी दोनों हमने जो देखा ज्यादा था। अब 2010 को छोड़ दिया हमने, सॉरी मिस किया, सो 14.8 प्लस 8.32, सो ये भी 20 हो रहा था और ये तो ऑब्वियसली 21.6 के से 6.50 ज्यादा है। सो हमको ये हम देख के ही सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके सो आप देखिए 2009 में देखिए, 10 में देखिए, 11 में देखिए, 12, सो 11 में कम है। सो आप अगर डाटा टेबल को अच्छी तरह से देखें तो हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकल कर आ जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि विच ईयर द एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्सेस, टू टैक्सेस का और इंटरेस्ट ऑन लोन। सो हमने क्या किया, टैक्स और इंटरेस्ट लोन को प्लस किया, टोटल किया और देखा एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल में क्या है, एक्सपेंडिचर फ्यूल में कम है या ज्यादा है। जस्ट हमने ये इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस टैक्सेस किया हर साल में और इसको इस फ्यूल और टैक्सेस के साथ कंपेयर करके देखा।
हमने कंपेयर करके मिला कि 2011 में ये कम है, ओके बाकी ज्यादा आंसर्स में ज्यादा है फ्यूल ऑन एक्सपेंडिचर. सो दैट्स अ लेक्चर ऑन टुडेज क्लास. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन